हेलो दोस्तों, ये हमारा पहला ब्लॉग है और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। लोग हमें देख रहे हैं, अभी स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, टाइम ये हुआ है, लेट भी है थोड़े। चलो मिलते हैं ट्रेन में। हम पहुंच गए अब पनवेल। यहाँ से पैदल करावर्ती दूर जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में पनवेल है, पनवेल से भी जाएंगे। अभी कला बाजू 15 किलोमीटर का रास्ता है, अभी तो पैदल जाने वाले पैदल। चलो मिलते हैं उधर पहुंच के। बहुत ही मजे आ गए, सुबह चलेगी कला बाजू। और ये भाई बना रहे हैं अपना जूस, 15 रुपए का एक गिलास है। चालू हो गया अपना रास्ता 15 किलोमीटर का, थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। अभी हम चलते चलते गांव में आ गए। ये देखिए पीछे पूरा खेत है और धूप बहुत है यार। ये देखिए यार, धूप बहुत है, पसीना पसीना पूरा हो गया एकदम। हाँ यार, ये सब है छोटा सा बढ़िया सा, ये चढ़ा के आ रहा हूँ। ये मुंबई में और मुंबई में आप कभी आए थे? बहुत अच्छा घूमने का यार, बहुत अच्छा घूमने का। देखिए पूरा खेत है भाई। फाइनली हम एक दूसरे खेत के बाद आ गए। खेत में पूरा मिर्ची कटा एकदम अच्छा, अभी तक आया नहीं मिर्ची। अभी बोया, अभी तक मिर्ची आया नहीं भाई। चलते हैं आगे, और आगे क्या क्या देखने को मिलता है आपको बताएंगे वीडियो में। जरूर चलो भाई, हमारे साथ में हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे वीडियो पर पनवेल खिलावट की धूप। सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट है। नया देखिए, इस बैग में हमारा खाना पीना है, इस बैग में हमारा खाना पीना है। और तो हम कलावती दुर्ग के बहुत ही नजदीक आ गए। ये देखिए ये पूरा ब्रिज है अंडरग्राउंड, तो ब्रिज से होकर जाएंगे हमें कलावती दुर्ग। देखिए आगे बच्चा गेट है, कुत्ता आपको क्या। देखिए रिक्शा है नेक्स्ट ब्यूटीफुल। बॉम्बे का सबसे मतलब अच्छा, मतलब गांव में अच्छा, बहुत अच्छा गांव है ये, और ब्यूटीफुल है, बहुत पहाड़ है, गलिया छोटा, मतलब अपने राजस्थान की गांव तरह ही तरह इधर भी बहुत गांव है। लोकल पब्लिक इधर रहता है, बहुत पहाड़ है पास में, छोटा मोटा किराना का दुकान, गांव का जो जरूरतमंदों का मतलब जो भी रहता है वो दुकान रहता है इधर पे। ये तो भी हम आगे
देख ही रहा होगा एक मिनट जरूर कहीं कहते हैं हमको। ये देखिए भाई इतना बड़ा पहाड़ है ये, गाँव नहीं तो अपना खुद का भी सबका गाँव है, राजस्थान पंजाब हरियाणा यूपी बिहार जिधर भी हो आप। गाँव की सुकून की जिंदगी है भाई, जितने भी साल जियो खुशी से जियो भाई। मतलब देखिए आप कितना कितना नेचुरल है, ये देखिए अंदर करके बताते हैं। ये वाला काफी दूर का भाग है, उधर जाने का हमें बहुत बहुत दूर है अभी, और हमने ये 15 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था और हम आप पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं गांव की खूबसूरत, और देखिए इधर मतलब खेत है बहुत अच्छा और इधर छाव है, इधर आराम से बैठेंगे अभी। जैसे हम गांव में पहले बहुत छोटे छोटे तो मम्मी के साथ में जाते थे दूसरे गांव, मतलब जहां पर साधन नहीं जाते थे, 2 किलोमीटर के अंदर जाते थे, कभी कभी पैदल जाते थे, तो ऐसे ही बीच में एक दिन छाव में बैठ जाते थे। हम मम्मी ने नहीं बैठते, हम बैठ जाते थे, हम चुप जाते थे, तो आज भी हम बैठेंगे और वो वाली फीलिंग हम महसूस करेंगे। अच्छी खासी जगह मिल गई है खेत में, पहले भी लोग बैठ के चले गए। लेकिन भाई मैं कहना चाहूँगा आपको, गांव का जो सुकून रहता है जिंदगी का सबसे बेटर है, देखिए जंगल का जिंदगी बहुत अच्छी है, बस जीने का तरीका आना चाहिए। फिर बैठ रहा है, इतना ना तो कुछ लेके नहीं आया था घर से, लेकिन बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। बैठ गया अभी पानी की बोतल निकालते हैं, तो हम फाइनली इधर पहुंच गए कलावर्ती दुर्ग। देखिए पीछे पूरी पहाड़ी दिख रही है, पीछे जो दिख रहे हैं वो ये कलावर्ती दुर्ग। चलो चलते हैं, यहाँ बहुत जल्दी पहुंच गए क्योंकि हमें इधर यहाँ लोकल बिजनेसमैन इधर आइस कंस्ट्रक्शन करके मतलब वहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग उनके द्वारा छोड़ा गया इधर, छोड़ा लेफ्ट है जो इतना चल रहा है, उनका फार्म हाउस उधर ही था लेकिन उन्होंने छोड़ा क्योंकि ये बाजू में ही है, ये रोड खराब नहीं था, इसलिए हमको इधर गाड़ी छोड़ने आए। आगे है हमारा कला बहुत ही दूर, तो हम जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। बाइक चला जा रहा है, एक राइडर आया है बाइक लेकर, वो चढ़ रहा है और हम पैदल है भाई, तो हम पैदल बोले पैदल वाले जिंदा बस भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करा, पीछे एक्टिव वाला भी आ रहा है, चले चलते यार बहुत ऊपर बहुत यार, गाड़ी वाड़ी एकदम पूरा पीछे एक्टिव वाला आ रहा है, देखिए लड़ी लड़ी है, लेकिन एक्टिव कितना बेचारा है एकदम, एक्टिव को देखिए इतना ऊपर है कि एक्टिव भी कुछ काम नहीं कर रहा है एकदम, मतलब कहने का मतलब पीछे आ रहा है इतना है, और हम चढ़ रहे हैं पैदल यार। आज तो शाम को हमारी हालत खराब होने वाली भाई एकदम, कुछ होने वाला नहीं हमसे शाम को, आज देखो पैर अभी चल नहीं रहे यार, एक भी कदम अभी आगे ले ही नहीं रहे भाई, भाई अब तो शाम को 90 मारना पड़ेगा भाई।
ये देखिए भाई, ये सागवान का सब बैठ रहा है बड़ा बड़ा एकदम। पीछे का देखिए ऊपर इतना ऊपर चढ़ गया, और थोड़ा चलते हैं तो आगे और बताते हैं आपको। ये देखिए पहाड़ के चढ़ाव पर, और ये थोड़ा कठिन है, फेमस है, यहाँ बहुत सारे लोग आए घूमने के लिए। नीचे हमने पार्किंग देखा, और यहाँ पर पानी वानी सब लेके आना भाई साहब। 25 यानी 25 का एक बोतल, 1 लीटर का 25 रुपया। ऊपर एक गाँव लगता है, नाम तो पता नहीं, खलावती गाँव लगता है, पूरा गाँव बसा हुआ, पूरा गाँव। तो भाई इधर तक आ गए, जंगल के बीच में आ गए। आवाज में बस खराब होगी भाई, आपसे ज्यादा पानी बहुत लगेगा भाई। गर्मी बहुत है, देखो पूरा अच्छे से लथपथ हो गया यार पूरा। अभी तक तो कम से कम 20-30 मिनट लगेंगे ऊपर चढ़ने के लिए, कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता बता रहे हैं गूगल पे। तो अभी हम गूगल के जरिए इधर तक पहुंचे, और गूगल ने हमें इतना बड़ा रास्ता बताया, कम से कम 15 मिनट का, और जस्ट बाजू में उसका बस स्टॉप था, बस स्टॉप उसने वो नहीं बताया। देखिए भैया आ गए, कितना अच्छा पहाड़ है यार, गर्मी भी बहुत है यार, धूप भी है, 2 बज गया है। ये देखिए ये बैग सर इतना ऊपर चढ़ गया, ये देखिए। चलो तो बाकी का बीच आगे दिखाते हैं यार, इसके ना जंगल में यार देखिए, आपको अच्छी सुना देता हूँ, जंगल में यार देखिए यार, ये देखिए गाड़ी यार ब्लैक रेड कलर की, रास्ता है फिर रुके पेपर करने थोड़ी देर, हालत बहुत खराब हो गया, टाइट हो गया, सीना सीना पूरा बिक गया। ये देखिए अभी और ऊपर चढ़ना है, रास्ता भी है यार ऐसा, रास्ता तो कैसा है एकदम, तो भाई बहुत खराब है सत्य, और आगे बैठते आप लोग कॉलेज तो क्या, हम लोग कॉलेज नहीं क्या, हम कॉलेज ड्रॉप आउट है, हम पहुंच गए ऊपर। ऐसा हार्ड रास्ता एकदम, देखिए डट मंजिल,
एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा सांप इधर से गया भाई, इतना बड़ा सांप गया इधर से, बहुत बहुत अजगर टाइप का, अभी देख के चलना पड़ेगा इधर। रैली में बहुत बड़ा था, अभी तक अंदर ही है, बहुत बहुत बड़ा यार एकदम, मतलब इतना बड़ा कि उसमें जंगल है। ये देखिए देखिए इधर घर भी है, बताइए इनके साथ क्या हुआ, साथ में क्या क्या कुछ चल रहा है। इतना बड़ा सांप आ गया, सुबह का निकल गया भाई, डर गया एकदम भाई इधर से। पहली बात पैर में बहुत ध्यान रखना चाहिए, देखिए पूरा ध्यान रखिए, और जो इधर रहते हैं लोग उनको बताने अब क्या कैसा है जो भी है। रियल लाइफ है ना भाई, जो रियल लाइफ जंगल की वो ये होती है, ये लोग रहते जब ये लोग रहते हैं उनको सब पता है कि कितना मुश्किल होता है इधर सर्वाइव करना, इधर रहना, इधर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। आगे जो इधर से देखे लोग आते रहते हैं, ये पूरा इलाका है ना, पब्लिक इधर से जाती है, लोकल ट्रांसपोर्ट है। अभी जो कि हम बहुत पास में है, अभी लड़की बेचारा गया जिसके दोनों हाथ में लड्डू आगे फूटने लगे, क्या करें फर्स्ट टाइम लड़की पर। हम क्या सिंगल लौंडे, वो भी सख्त वाले ऐसे वैसे बिगड़ते नहीं ना, वही बस वो दिल की जगह हमारे वो फिट है ना भाई, देखिए क्योंकि हमें नेचुरल से प्यार। ये जो नजारा है हमारी जिंदगी का, बड़ा बड़ा स्क्रीन, अब इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन दिखाऊंगा, अभी जो कुछ सब सेट हो गया है भाई, लेट्स गो लेकिन नाम जब आते हैं तभी आना, बिना मौसम के मुंह नहीं खाना, जब भी आओ पानी का बोतल 3-4, क्योंकि 25 से 50 तक का पानी का बोतल मिलता है। देखने से आया भाई साहब पार देख के भाई, ये सबसे कठिन रास्ता है भाई, हार्डली हमारे मोबाइल में निकाल लेते अगर निकालने का होता। ऊपर आगे वो भी ऐसा वाला सीढ़ी, ऐसा देखो ऐसा भाई, ये सीढ़ी का हिस्सा सीधा इधर से नीचे जाएगा भाई, कोई भी इंसान चला ना तो थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील होगा, सीधा नीचे जाएगा सीधा। देखिए
आसमान के पास है, आसमान के पास। फाइनली हम ऊपर आ गए पूरे पानी के ऊपर। ये देखिए एकदम ऊपर देखिए सूरज भारत का मंदिर। मतलब ये मेन पॉइंट है इनका। अच्छा साहब
और पहाड़ देखे हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे। और हमारा ट्रेन है जो लगा नहीं अभी तक, छः बज गए, रेड जोन का टाइम है अपना, 6:27 हो गया, 6:30 हो गया। मिलते हैं उधर ही, चलो अगले ब्लॉग में, बाय बाय।